हेलो फ्रेंड्स, बहन जी मैं आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बड़ों को दिल से प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और इस बहन जी को भी ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दे दीजिए आप लोग। और जो मेरे भैया दीदी मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हमारे वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और जो कुछ आप पूछना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी कई दीदी लोगों का कमेंट आया हुआ है, उनके कमेंट पे हमें वीडियो बनाना है, तो कोशिश कर रहे हैं जल्द ही वीडियो बनाने की। तो आजकल क्या है, थोड़ी बहुत हमारी तबीयत में दिक्कत आ गई थी, इसलिए वीडियो आने में आपको 2 से 3 दिन तक लग सकते हैं, लेकिन हमारी वीडियो हर एक कमेंट पर जरूर आएगी। आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिएगा और अपना प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम आपको बेल्ट ब्लाउज में होने वाली कमियों को, जो हमारी कई सिस्टर लोग बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करती है, तो उनका कटिंग और सिलाई की बात क्या होता है कि ये जो हमारा यहाँ से जो हमारा ये बेल्ट की कटिंग चेस्ट के यहाँ पर होता है, तो ये क्या होता है कि ब्लाउज पहनने पे बार बार ऊपर की तरफ खींच जाता है, तो इससे क्या होता है चेस्ट हमारा बाहर की तरफ निकलता है और ब्लाउज पहनने में बहुत ही भद्दा लगता है। तो हमारी प्यारी प्यारी सिस्टर लोग इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इस तरह मान लीजिए मैंने यहाँ मुड्ढे से यहाँ पर देखिए ये हमारा यहाँ पर चेस्ट 11 इंच का आ रहा है, तो ये 11 इंच ब्लाउज से भी आप नाप लीजिए, किसी का 10.5, किसी का 11, किसी का 12। आप इसके हिसाब से अगर 12 आ गया आप कटिंग कर दिए तो आपकी सिलाई मार्जिन या फिर कटिंग मतलब खराब हो जाएगी। 12 पे आप कटिंग कर रहे हैं, मैंने ब्लाउज से नापा 12 आया, मैंने 12 रख दिया और क्या हुआ कटिंग सिलाई के बाद आपका ये पेन छोटा हो जाएगा। तो यही होता है कि बार बार ऊपर की तरफ खींचने लगता है। तो इस परेशानी को हमने इस वीडियो में आपको बताया है कि कितना सिलाई मार्जिन लेना चाहिए हर एक बेल्ट ब्लाउज के लिए। तो मेरी प्यारी सिस्टर लोग इस वीडियो को लगातार देखते रहिए और वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। जब तक आप वीडियो को पूरा देखेंगी नहीं तब तक आपको सिलाई कटिंग कभी समझ में नहीं आएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और बेल्ट ब्लाउज की होने वाली कमियों को, सिलाई मार्जिन को ध्यान रखते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमारा ये कॉटन का पीस है, इसमें से हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे 36 इंच। तो कपड़े को सबसे पहले हम डबल फोल्ड में करेंगे, आगे और पीछे पार्ट की कटिंग हम एक साथ करेंगे। तो कपड़ा यहाँ पर हमारा डबल फोल्ड हो गया है, 36 का दूसरा भाग 18 इंच और यहाँ से 3 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए निकालेंगे। अब इस कपड़े को हम कट कर लेते हैं। तो कपड़ा हमारा निकल गया, अब इस कपड़े को देखिए पकड़कर हम थोड़ा हम आगे पीछे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 इंच कपड़े को हमने खिसकाया, इसकी लंबाई हमारी 13.5 इंच है, तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, 15.5 इंच पर हम निशान को लगाएंगे। 2 इंच हमने लिया है 1/2 इंच ऊपर की साइड सिलाई के लिए और 1.5 इंच नीचे की साइड तुरपन के लिए। तो अब इस पल्ले को हमने फिर से मोड़ दिया है, तो कपड़ा हमारा डबल फोल्ड में हो गया है। अब यहाँ पर चेस्ट का एक भाग 9 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। कंधा हमारा 10 इंच पे था, एक भाग 5 इंच। आर्म होल हम 4.5 इंच पर झुकाएंगे। ये हमारा कोष्टक बॉक्स बन गया आर्म होल के लिए। 1 इंच यहाँ से ये हमारा आर्म होल बनकर तैयार हो गया। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब इसे खोलकर हम यहाँ पर देखिए फिर से ज्वाइंट है, इसे हम खोल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए कम वाला हमारा ये पीछे का पल्ला और बड़ा वाला आगे का पल्ला, तो दोनों पल्ले एक साथ कटिंग हो गए हैं। अब इसमें हम गले की कटिंग करेंगे, कपड़े को बराबर पहले कर लेंगे। गले की गहराई जो कुछ हो आपकी, तो 3 इंच हमने मुड्ढे का निशान लगाया, यहाँ पर 9 इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए अब हम गले की कटिंग कर देंगे। आप गले को कोष्टक बनाकर भी बना सकते हैं। पीछे पल्ले की कटिंग हो गई है, अब हम चलते हैं आगे पल्ले में। तो यहाँ पर देखिए कपड़े को हमने बराबर से कर लिया है,
अब सबसे पहले पीछे पल्ले में सिलाई मार्जिन रखते हुए यहाँ पर हमें 15.5 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ से देखिए कपड़े को हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसे हम काट कर निकाल देंगे, इतना कपड़ा हमारा फालतू है। अब यहाँ पर देखिए आगे पल्ले में फिर से हम 3 इंच मुड्ढे का निशान लगाएंगे। और यहाँ से सिलाई मार्जिन रखते हुए 6.5 इंच पर हमने गले का निशान लगाया है। अब हम बीच वाले बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। यहाँ से 1/2 इंच आर्म होल को डाउन किया तो यहाँ पर इनका बीच वाला बेल्ट 11 इंच पर था, तो हमें उसमें जो हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया है सिलाई के लिए, ये मार्जिन हम यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम 12.5 इंच पर निशान को लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच मुड्ढे में सिलाई चला जाएगा और 1 इंच यहाँ पर जो हम सीधा लाइन खींच रहे हैं उसी में 1/2 इंच दोनों पार्ट में सिलाई हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 इंच लगाते हुए ये बन गया हमारा बेल्ट ब्लाउज का निशान। तो 1.5 इंच हम आगे पल्ले में यही बीच वाले कट के लिए हम सिलाई मार्जिन रखते हैं। तो ये हमारा बेल्ट ब्लाउज की कटिंग हो गया है। जब भी आप बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करें तो 1.5 इंच सिलाई मार्जिन जरूर लें बेल्ट कटिंग के लिए। और यहाँ पर अब देखिए हम टक्स के निशान लगा रहे हैं, तो हर एक टक्स के निशान की दूरी 2 इंच होनी चाहिए। तो इस तरह हमारे चारों टक्स के निशान बन गए हैं। और ये देखिए बिल्कुल आसानी से हमने बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कर ली है। यहाँ पर हमारे आगे और पीछे पार्ट की कटिंग हो गई है। अब चलते हैं हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया, फिर से इसे एक बार फोल्ड करेंगे। अब यहाँ 1 इंच हम तुरपाई के लिए नीचे हम निशान लगा रहे हैं कपड़े को। अब यहाँ से देखिए बाजू हमारी 5 इंच की थी, तो सिलाई मार्जिन रखते हुए हमने 5.5 इंच पर निशान को लगाया है। अब निशान को हमने सीधा कर लिया, आर्म होल 1/4 इंच, यहाँ से 2 इंच, यहाँ पर हम देखिए 2/3 इंच पर निशान को लगा रहे हैं। 2.5, 2, 3 इंच आप लगा कर बाजू का हमने शेप दे दिया है। अब बाजू को हम कट करने के बाद इसे खोल लेते हैं। पहले 1/2 इंच यहाँ से हम गहराई को छाटेंगे। गहराई छाटना बहुत ज़रूरी होता है। ये लग गया गुणित का निशान। बचे हुए कपड़े से हम बटन पट्टी, काज पट्टी और रिबी पट्टी, सभी पट्टियाँ जो ब्लाउज में लगती है हम उन्हें निकाल लेंगे। और रिबी पट्टी तिरछी होनी चाहिए, तभी आपकी पाइपिंग अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमारे सभी पार्ट कट कर रेडी हो गए हैं। तो है ना सिंपल तरीके से मैंने बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बताया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।